नमस्कार, मैं हूं दिवांशी मोइत्रा। सऊदी अरब ने खुद के मुल्क में वैट को 5% से बढ़ाकर 15% कर दिया। एम्प्लॉयज को मिलने वाले भत्ते कम कर दिए गए। टैक्स फ्री होने के लिए मशहूर सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था की हालत कोरोना ने खराब कर दी। ये उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट आ गई है, जिससे सऊदी की कमाई में 22% की गिरावट आई है। सारे जरूरी प्रोजेक्ट्स पर रोक लग गई है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी और सऊदी की तेल कंपनी अरामको का मुनाफा भी वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 25% तक गिर गया है। ये उसकी अब तक की सबसे कम कमाई है। अरामको की संपत्ति गूगल और अमेजोन की कुल संपत्ति के जोड़ के बराबर है, जो करीब 17 खरब डॉलर का है। इस गिरावट के पीछे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष भी है। ईरान और सऊदी का झगड़ा भी सऊदी की अर्थव्यवस्था की बदहाली के पीछे की वजह बना। सऊदी का दावा है कि टैक्स बढ़ोतरी और कर्मचारियों के भत्ते में कटौती से तकरीबन 26 अरब डॉलर की बचत होने वाली, जो 5 महीने के नुकसान के बराबर है। सऊदी अरब को इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में 9 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। इससे पहले 1998 में सऊदी को इतने कठोर फैसले लेने पड़े थे। सऊदी प्रिंस ने खाड़ी देशों को आगाह कर दिया है कि चुनौतियों का वक्त आने वाला है। फिलहाल कच्चे तेल की कीमत 9 रुपए प्रति बैरल है। सऊदी में दूसरे देशों के लोगों को आने से मना किया जा रहा है। इस गिरावट की वजह से सऊदी का विजन 2030 अधर में लटक गया है। इस परियोजना में रेगिस्तान में सऊदी ने 500 अरब डॉलर से एक आधुनिक शहर बसाने का प्लान किया था। इस परियोजना में सऊदी अरब ने प्रवासी मजदूरों के ऊपर से निर्भरता खत्म करने का फैसला किया था।